ब्रेकअप कर लिया उसने और तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे। चलो एक लव स्टोरी सुनाता हूँ, एक लड़का और एक चिड़िया की। एक लड़का था जो अकेला रहता था, ना उसका कोई दोस्त था ना कोई रिश्तेदार, लेकिन दिल का था वो बड़ा दिलदार। एक दिन उसके आंगन में एक चिड़िया आती है, आते ही उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट लाती है। तुरंत उसके लिए वो दाना और पानी लेकर आता है और बस एक ही दुआ मांगता है कि यही रुक जाए, कहीं ना जाए। चिड़िया खाती है और उसको बड़े प्यार से देखती है, उसको दिल में समा लेती है, उसके प्यार भरे आंगन में उस पर विश्वास रख के अपना घोंसला अपना घर बनाती है। कुछ समय बाद चिड़िया को छोटे प्यारे चूजे होते हैं, उनकी चीं चीं से पूरा आंगन चहक उठता है। उस लड़के का अकेलापन जैसे गायब ही हो जाता है, एक बहुत प्यारा रिश्ता बनता है। कभी चिड़िया उसके हाथों से दाना खाती है तो कभी वो उन चूजों के लिए पानी भरता है, हर दिन जैसे खुशियों की बहार आती है। लेकिन कुछ साल बाद लड़के की जिंदगी में एक लड़की आती है, वो उसको दीवानों की तरह प्यार करता है, शादी कर उसे अपने घर ले आता है। लड़की को होती है पंछियों से नफरत, इनके द्वारा मचाई हुई गंध को साफ करने की नहीं है मेरे पास फुर्सत, हटाओ इनको, वो बोल देती है। लेकिन कुछ नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे घर में। प्यार में वो अंधा हो चुका है, उसका अकेलापन भी अब भर चुका है, उसका स्वार्थ भी अब खत्म हो चुका है। वो जाता है घोंसले की तरफ, उड़ाने लगता है उनको बन के बेदर्द। चिड़िया सहम सी जाती है, जिंदगी में इस बेरहम बदलाव को समझ ही नहीं पाती है। हर खुश उड़ो यहाँ से, चले जाओ, क्यों जाओ, कहाँ जाओ, ना वो बोल पाती है ना वो रो पाती है। चीची घर बस उसे रोके जाती है, पर वो नहीं समझता, घोंसले को जोर से हिलाता है, वो उड़ जाती है, फिर वापस चली आती है। वो फिर से उनको उड़ाता है, वो फिर चली आती है, उसको छोड़ नहीं पाती। लड़के को आ जाता है गुस्सा, ले आता है वो एक जलता हुआ कागज का टुकड़ा और जला देता है उसका प्यारा सा घोंसला, जिसे कभी थी ही नहीं वो उसके दिल का हिस्सा, और बड़ी बेदर्दी से खत्म कर देता है वो एक खूबसूरत सा रिश्ता। वो मासूम सी चिड़िया बस एक आखिरी बार उसके सामने देखती है और फिर हमेशा हमेशा के लिए उड़कर चली जाती है, कभी मुड़कर नहीं। कुछ साल और बीत जाते हैं, उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। तुम मुझे समझते नहीं जैसे तुम मुझे बड़ा समझती हो। समय के साथ साथ ये झगड़े बढ़ने लगते हैं और आखिर में वो दिन आ ही जाता है जब उन दोनों का साथ में रहना तक मुश्किल हो जाता है। और फिर वो उसको जाके बोल ही देती है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रही हूँ, और उसको छोड़कर चली जाती है। अकेलापन उसको चुभने लगता है, उसकी नज़र आसमान में उड़ते हुए पंछियों की तरफ जाती है। उसको तुरंत चिड़िया की याद आती है, उसको अपनी गलती समझ में आती है। वो तुरंत अपने पूरे आंगन में दाने बिछा देता है, बहुत सारे घड़ों में पानी भर के रखता है और घोंसला बनाने के लिए सूखा घास और पत्तियां तक लेकर आता है और इंतजार करता है कि एक दिन चिड़िया आएगी और फिर से अपना घोंसला बनाएगी। बहुत इंतजार करता है पर चिड़िया नहीं आती। साल बीत जाते हैं पर चिड़िया नहीं आती, कभी नहीं आती। पर क्यों आएगी उस इंसान के पास जिसने उसका घर जलाया था? शायद उसके लिए सरप्राइज में प्लान किया वो पिज्जा जो तुमने अपने हाथों से बनाया था, वो मुश्किल सा गाना जो तुमने बार बार प्रैक्टिस कर उसके लिए परफेक्टली गाया था, उसका टूटा दिल जो तुमने बड़ी मुश्किल से जोड़ा था, उसका बहता हुआ वो हर आंसू जो तुमने पोछा था, उसकी आंखों की सच्ची सी तारीफ, शायर बन उसके प्यार में जैसे बन बैठे थे तुम गालिब, दिल से नहीं जब रूह से तुमने उसको प्यार किया, प्यार को पूजा मान खुदा की तरह उसकी इबादत की, जिस्मानी राहत नहीं श्लोक और आयत की तरह जब तुमने उसको याद किया, दिल को मंदिर मस्जिद बनाया उसमें उसको बसाया, और इन सब के बावजूद भी जब उसने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला, तुमने उसे किसी और के साथ पाया, उसने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, तुमने दिल से लेकिन जब उसने सहूलियत से प्यार किया और एक दिन अचानक से आकर बोल दिया इट्स ओवर बिटवीन अस आई एम डन विद यू, और तुमने बेवजह छोड़ दिया, बिना कोई रीजन दिए, आंखों में आंसू लिए, तुम उसके पीछे पीछे घूमे, उसको रोकने की कोशिश की, बदले में उसने तुम्हारी बेइज्जती की, स्वार्थ खत्म होते उसने शब्द जाल बिछाया, तुम्हें उसमें फंसाया, किसी भी तरह से उसने तुम्हें खुद से अलग किया, तुम्हारा प्यार का वो घोंसला, तुम्हारी फीलिंग्स और एफर्ट्स का वो घर जलाया, फिर क्यों रुके हो यार, उड़ जाओ। सच में मूव ऑन वही कर सकता है जिसने सच में प्यार किया, उस चिड़िया की तरह जिसको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय उसकी खुशी के, लेकिन जब उसका घर जला दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए उड़ जाती है, कभी लौट कर नहीं। तो अगर तुम्हारा भी प्यार सच्चा है, कोई स्वार्थ नहीं है, तो छोड़ो उसे और हमेशा के लिए उड़ जाओ यार, वो कुछ भी कर फिर कभी मुड़कर मत देखो, और हो सके तो खुद से प्यार करो जहां पे पूरा आसमान तुम्हारी उड़ान के इंतजार में है।